सर्चिंग पर निकले जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में करीब 6 नक्सली घायल हुए हैं। कोबरा बटालियन के ये जवान थे, 2 जवान इसमें घायल हुए हैं। निरीक्षक मुनेश कुमार और आरक्षक अमित मोड़क इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। वहीं कई नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना है। नक्सलियों ने भारी मात्रा में BGL और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है। वहीं बस्तर IGP सुंदरराज ने इस घटना की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर सुकमा से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। लगातार जिस तरह से नक्सली सक्रियता दिखा रहे हैं, ये बौखलाहट ही है नक्सलियों की, और मुठभेड़ में कई नक्सली घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 नक्सलियों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। वहीं कोबरा बटालियन के 2 जवान भी हालांकि इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। बस्तर IGP सुंदरराज ने इसकी जानकारी दी है। जो घायल हैं जवान, उनका नाम निरीक्षक मुनेश कुमार और आरक्षक हैं। भारी मात्रा में BGL और विस्फोटक इस जगह से बरामद किया गया है। कोबरा बटालियन के 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। जो घायल जवान हैं उनके नाम भी आप तक पहुंचा दें। निरीक्षक मुनेश कुमार और आरक्षक अमित मोड़क इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। हालांकि जवानों ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में BGL और अन्य विस्फोटक बरामद किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या मुठभेड़ खत्म हो चुकी है या? देखिए, मुठभेड़ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जवान वापस कैंप में लौट आए हैं। बताया गया कि 2 लोगों को मामूली, जो कोबरा के जवान थे, कोबरा के 202 बटालियन के इंस्पेक्टर और एक जवान जो है आरक्षक 208 बटालियन का, उनको मामूली चोट आई थी, जिनका इलाज वही कैंप में ही कर लिया गया है। स्थिति पूरी तरीके से बताई जा रही है कि जो दावा पुलिस का है, 5 से 6 नक्सलियों को, जो घायल नक्सली हैं, वो मौके में जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। साथ ही मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों का जो देशी BGL हथियार है, उसके सेल और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्रियां बरामद कर जवान वापस कैंप लौट आए थे। राजा, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है नक्सलियों की सक्रियता अचानक से एक बार फिर से बढ़ी है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, आमतौर पर नक्सली जनवरी से लेकर जून तक TCOC मनाते हैं, और इस TCOC के दौरान नक्सली पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से जवानों को बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। पूर्व में जिस तरीके से नक्सलियों ने कई बार बड़ी वारदातों को अंजाम देकर जवानों को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है TCOC के दौरान, इसी तरह पिछले 2 वर्षों में नक्सलियों ने कोई बड़ा घटना नहीं कर पाए नक्सली, लिहाजा इस बार पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नक्सली किसी भी प्रकार से बड़ी नुकसान जवानों को पहुंचाए, जिसके मद्देनजर जवानों की टीमों को अलग अलग इलाकों में सर्चिंग के लिए भेजा गया है, ताकि नक्सली जो साजिश या रणनीति बनाते हैं जवानों के खिलाफ, वो उसे फेल किया जा सके। इसी इस वक्त नक्सली बहुत सक्रिय रहते हैं, तो ऐसे में जवानों को भी एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर रहना होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुछ जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि 6 नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना सामने आ रही है। के साथ जहां सुकमा में सर्चिंग पर निकले जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में करीब 6 नक्सली घायल हुए हैं। कोबरा बटालियन के 2 जवानों के घायल होने की सूचना भी हालांकि निकलकर सामने आ रही है। जो जवान घायल हुए हैं उनका नाम मुनेश कुमार और अमित मोड़क है। जवानों ने BGL और कई विस्फोटक सामग्री जब्त की है। बस्तर IGP सुंदरराज ने इस घटना की जानकारी साझा की है। तो सुकमा में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, और लगातार सुकमा में जिस तरह से नक्सलियों की सक्रियता नजर आ रही है, ये कई सवालों को भी जन्म देता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजा राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजा, जिस तरह से 2023 में लगातार देखा जा रहा है कि नक्सली एक बार फिर से पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और लगातार वो अलग अलग जगहों पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बीते 2-3 सालों की अगर बात की जाए तो नक्सली जो जनवरी से लेकर जून माह तक TCOC कैंपेन चलाते हैं, इसमें नक्सली आमतौर पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में होते हैं या रणनीति बनाकर वो मैदान पे उतरे होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से सुरक्षा बलों को कोई बहुत बड़ा नुकसान अब तक नक्सली नहीं पहुंचा पाए। इस बार TCOC की शुरुआत से ही नक्सली लगातार इस रणनीति पर नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में वो जवानों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। जैसा कि जगरगुंडा इलाके में जो 25 फरवरी को एक नक्सली हमला हुआ था, ये उसका उदाहरण भी है। लिहाजा जवान लगातार नक्सलियों की इस रणनीति को फेल करने अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग पर निकल रहे हैं। आज भी जो डब्बामर का कैंप है, वहां से सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जो सुकमा SP सुनील शर्मा
और बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने दावा किया है कि 5 से 6 नक्सलियों को इस मुठभेड़ में घायल होकर भागते जवानों ने देखा है। वहीं 2 जो जवान है कोबरा बटालियन के, उनको मामूली चोटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये नक्सली लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा नुकसान पहुंचाने का, और जवानों की सर्चिंग नक्सलियों की रणनीति को फेल करने की, जो वो टीसी उसी में बड़ा नुकसान पहुंचाने की रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। राजा, ये वाकई में तारीफ के काबिल बात है कि लगातार सक्रियता तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन जो जवान है वो उन्हें फेल करते जा रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं, जिस तरह से बीजीएल बरामद किया गया, जिस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया, इस बात से आप भी जिस तरह की जानकारी साझा कर रहे हैं कि बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में नक्सली लगातार हैं। निजी तौर पर खास तौर पे ये बीजीएल का इस्तेमाल नक्सली जो ज्यादा अब तक करते देखने को मिल रहा है, नक्सली कैंप में भी अटैक करते हैं तो बीजीएल का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही जब भी एम्बुसिंग करते हैं तब भी बीजीएल का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं फोर्स भी नक्सलियों की रणनीति के हिसाब से ही अपनी ऑप्स की रणनीति तैयार कर उस इलाके में जाकर नक्सलियों से मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें की कई नक्सलियों घायल होने का दावा भी किया जा रहा है, साथ ही कुछ मामूली चोटें जवानों को भी आई है। निश्चित तौर पर लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है इस इलाके में। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर नक्सली सक्रिय हैं तो हमारे जवान भी बिल्कुल मुस्तैद हैं और लगातार नक्सलियों को बैकफुट पर वो करते आ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और एक बार फिर से यहां पर मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है और 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है।